जौनपुर में तमाम माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक आज कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक जो आचरण से भी भ्रष्ट है, इससे बड़ा घूसखोर इस धरती पर खोजने पर कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी इन सारे शिक्षकों का वेतन रोक करके, और आज एक वर्ष से अधिक हो गया, इन सारे शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। जबकि किन कारणों से रोका, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैं पूरे आश्वस्त होकर के ये बात कह रहा हूँ, इन शिक्षकों से 5-5 लाख रुपए की मांग इस जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया था कि 5-5 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारा वेतन लगा दूँगा। शिक्षकों ने और सारे संगठन के लोगों ने कहा कि मैं ये पैसा नहीं, और इसी आधार पर इनका वेतन रोक करके फिर हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट डबल बेंच से भी जीते, उसके सजा की नौबत आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भाग गया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जैसा कि अभी अखिलेश भाई ने कहा कि यहाँ पर उसी नियम के तहत कुछ चिन्हित लोगों का भुगतान किया जा रहा है, और संस्कृत विद्यालयों में तमाम फर्जी नियुक्तियाँ करके ये जिला विद्यालय निरीक्षक 15 लाख 20-20 लाख रुपए लेकर के फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति किया है, उनका भुगतान कर रहा है, केवल 5-5 लाख रुपए न देने के कारण शिक्षकों का वेतन रोक करके और लगातार इनके साथ परेशान कर रहा है। मेरी शासन से मांग है कि ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक का ट्रांसफर नहीं है, उसकी जाँच करा करके उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बन पड़े वो कार्रवाई। डॉक्टर समर बहादुर सिंह, अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। आप लोग आज हड़ताल का 35वां दिन है और भूख हड़ताल का 2रा दिन है। हम तदर्थ के जो शिक्षक हैं उनका जिला विद्यालय निरीक्षक की तानाशाही रवैया के कारण इनका वेतन रोका गया है, जबकि उसी नियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए तमाम ऐसे लोग प्रदेश भर के जिलों में उनको वेतन दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अन्य जिलों में दिया जा रहा हो चलिए ठीक, लेकिन हमारे जनपद जौनपुर में भी उसी नियम के अंतर्गत तमाम नियुक्त शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, और हमारे इन शिक्षकों शिक्षक साथियों का शोषण करने के लिए, इनको अपमानित करने के लिए इनका वेतन अवरुद्ध किया गया है। हमने 33 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, तमाम तरह के बुद्धि शुद्धि यज्ञ, नग्न प्रदर्शन, भिक्षाटन, तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी, इस जिला विद्यालय निरीक्षक ने हमारी नहीं सुनी। इसलिए हम सभी लोगों ने ये तय किया है कल से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, और तब तक हम भूख हड़ताल अपनी नहीं तोड़ेंगे, आवश्यकता होगी तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन जब तक इन शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपने संघर्ष को विराम नहीं देंगे। क्या नाम है? अखिलेश सिंह, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा। आज ये 2 दिन हो गया हमारे तदर्थ शिक्षकों को भूख हड़ताल पर बैठे हुए, तो निश्चित रूप से ये ऐसे शिक्षक हैं जिनको जरूरत विभाग को है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा ये माध्यमिक शिक्षा विभाग इनको अनसुनी कर रहा है इनकी मांगों को, जबकि 2-2.5 साल वेतन देने के बाद इनको हटाने के लिए किस अधिकार से यहाँ जिद किए हुए बैठे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, ये समझ में नहीं आता। आज जहाँ हम लोग शिक्षकों की पूर्ति की बात एडेड विद्यालयों में कर रहे हैं, वहीं ये शिक्षक धरने पर बैठे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो जिन विद्यालयों में ये इतने योग्य शिक्षक आज धरने पर बैठे हुए हैं उनको वेतन विगत 8 महीने 1 साल से नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही घृणित कार्य है, और प्राथमिक शिक्षक संघ इसका इनके पूरे तन मन धन से इनके साथ है, और अगर किसी भी तरह का इनका कोई भी आह्वान होगा तो हम लोग इनके साथ सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। छात्रों ये सीधा सीधा अधिकारी है, अगर इन शिक्षक ये शिक्षक अगर योग्य हैं, अपने विषय की पूरी योग्यता रखते हैं और विद्यालय में पठन पाठन अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर ये विद्यालय न जाकर के 35 दिन से धरने पर बैठे हुए, तो निश्चित रूप से ये विभाग की गड़बड़ी है, और अगर जिसमें जो कोई भी अधिकारी या बाबू जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके वेतन को बहाल करते हुए ससम्मान इनको विद्यालय पर पठन पाठन के लिए भेजना सुनिश्चित किया जाए। हमें कोई जिला प्राप्त नहीं किया।